Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी। जी हाँ, ये हम कहते रहते हैं और अपने दिल को बहलाते रहते हैं कि नेताजी लपेटे में, असल में तो हम ही लपेटे जा रहे हैं नेताओं द्वारा। स्वागत करते हैं मंच पर, इस बार पहली बार हमारे साथ हैं मेघ श्याम मेघ, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और चिराग जैन। कांग्रेस से लपेटे जाएंगे आलोक शर्मा जी और बीजेपी से जफर इस्लाम साहब। अभी जोगी जी और मायावती जी का गठबंधन हुआ है और उसका महागठबंधन पर क्या असर पड़ा है, मैं चार पंक्तियां छंद के माध्यम से सुनाता हूं, सुनिएगा। कि महागठबंधन को मारी ऐसी लात, महागठबंधन को मारी ऐसी लात, मात खाई साइकिल हाथ तरसा है जल को। जितने भी पार्टी के चुनाव चिन्ह उनको ध्यान में रखिएगा कि महागठबंधन को मारी ऐसी लात, मात खाई साइकिल हाथ तरसा है जल को। और सूख गए घास फूल, ममता जी सूख गए घास फूल, घड़ी का समय खराब, हसिया हथौड़ा तक भांप गए बल को। सूख गए घास फूल, घड़ी का समय खराब, हसिया हथौड़ा तक भांप गए बल को। और लालटेन जल नहीं पा रही है ढंग से तो, और आप संभालिएगा अगली पंक्ति कि लालटेन जल नहीं पा रही है ढंग से तो, चक्कर से आ रहे हैं देखिए कमल को। लालटेन जल नहीं पा रही है ढंग से तो, चक्कर से आ रहे हैं देखिए कमल को। पर एक बात मेरे समझ न आ रही है, एक हाथी कैसे खींच लेगा जी हल को। अभी जैसा बताया कि माया जी ने छत्तीसगढ़ में जोगी जी का गठबंधन का कुछ चर्चा जो हुई, मैं उसी पर एक प्रतीक सुनाता हूँ, पैरोडी। और आज तो देखा युवा बड़ा जोश में है, युवा हर जगह जोश में, कांग्रेस में भी जोश में। मैं तुझे जोश में ही नजर नहीं आ रहा हूँ। आपकी तो ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। जोश आप में नजर आ रहा, आप जोश में नहीं हो। सर आप उल्टा मत करिए, क्योंकि मैं भी भूतपूर्व नौजवान हूँ। के महागठबंधन का है ना भाया। क्या बात है। अरे महागठबंधन का है ना भाया, समझ न आई माया की माया। आया इलेक्शन जी नजदीक आया, तब टीपू भैया ने ये फरमाया। क्या फरमाया? अब बताता हूँ सुनो। तब टीपू भैया ने ये फरमाया, छत्तीसगढ़िया लगे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया लगे बढ़िया, मेरे खेतों में गुइया बो गईया। ये अखिलेश जी कह रहे हैं राहुल जी से कि छत्तीसगढ़िया लगे बढ़िया, मेरे खेतों में गुइया बो गई। मुझको रागा जी माफ करना, मुझको रागा जी माफ करना, बुआ जोगी की हो। मुझको रागा जी माफ कर, रागा जी मतलब समझ गए ना, के ना लागे कांटा लागे ना कंकर, कांटा लगे और लागे ना कंकर, तुमको बचा लेंगे भोले शंकर। अपनी तो साइकिल के टायर हैं पंचर, अपनी तो साइकिल के टायर हैं पंचर, चाचा ने भी फूंक रखे हैं मंत्र। चाचा ने भी फूंक रखे हैं मंत्र, पहले ही योगी के चक्कर में, पहले ही योगी के चक्कर
कर मैं अपनी ऐसी की तैसी हो गई, मुझको रागा जी माफ करना। आलोक जी क्या हो रहा है, मतलब कैसे ऐसे कैसे संभालेंगे, मायावती तो चली गई। देखिए मैं समझता हूँ इसके पूरे प्रकरण के दो पहलू सामने आए हैं। एक पहलू तो यह है कि मायावती जी जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों पहुंचा रही हैं वो तो मायावती जी बता सकती हैं, या उनके भाई के ऊपर भी जिस तरह से बताया गया। तो मध्य प्रदेश में भी नहीं जा रहे आप साथ में? नहीं, मध्य प्रदेश में तो पहले ही उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे और पिछली बार भी लड़ी थी वो, और छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार जब लड़ी तो 0.2% वोट था। वोट के नज़रिए से बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, मैसेज ये है कि जिस तरह से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहां पर गई हैं, ये पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश का मतदाता भी देख रहा है। भाई हकीकत तो आप भी जानते हैं कि चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई और भी पार्टी का लीडर हो जो गठबंधन में साथ होना चाहते थे, महा कहा रहा, माया ही नहीं रही तो महा कहा होना चाहते थे, वैसे लिखा सबकी एक ही माया कि मैं कहीं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कहीं मुख्यमंत्री बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, लेकिन किसी को ये नहीं है कि वो दूसरा वाला बन सकता, उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं बन जाऊँ। ऐसे में जब आप सब एक साथ लड़ते हो तो आप जाहिर है कि देश की चिंता आपको नहीं, आपको अपने सत्ता में रहने की चिंता है। देखिए आपको इसलिए आपत्ति नहीं करनी चाहिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी है कि जितना ज़्यादा कीचड़ उछालेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा, तो आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए कि ये सिर्फ आपके फायदे के लिए आपके खेत के मजदूर बने फिर रहे हैं। छंद सुन लो भाई साहब, वो कीचड़ प्रोवाइड भाजपा ही करेगी। हाँ कमाल की बात यह, अभी जो बहुत मजा आने वाला है वो ये कि अमित शाह जी ने केजरीवाल को चुनौती दी है। मतलब दोनों एक से आमने सामने होंगे और हम लोग बैठ के टीवी पे मजे लेंगे, आनंद लेना इस बात का। वो एक बात बता दूं, हाँ चक्कर में भी मत पड़ जाना। मैं बच्चों से क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? आप सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, आप हमसे बता देना, चक्कर में भी मत पड़ जाना। किसके? केजरीवाल ने कहा है कि आ जाओ रामलीला मैदान में, आमने सामने होगी। रामलीला मैदान केजरीवाल के लिए ऐसे है जैसे तेंदुलकर के लिए बाण खेड़े। वो उसकी घरेलू पिच है। और रामलीला मैदान हमारे लिए एकदम ऑफ स्पिन वाला जो पिच है वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड्समैन तो आप ही थे वहाँ के। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मालूम है कि जनता जो आएगी देखने वो हमारे साथ होगी। कि जितना भी कीचड़ उछालोगे बीजेपी पर उतना ही ज्यादा सुनो कमल खिलेगा जी। अच्छा, कैसी भी खबर ढूंढ लाओ हमारे विरुद्ध, कुछ भी कह लो भाजपा को, कैसी भी खबर ढूंढ लाओ हमारे विरुद्ध, उसका भी लाभ बस हमको मिलेगा जी। देश का सिंहासन हिला नहीं सकोगे आप, देश का सिंहासन हिला नहीं सकोगे आप, दिल्ली सरकार का सिंहासन हिलेगा जी। दिल्ली सरकार का सिंहासन हिलेगा जी, केजरी का झूठ अब चल न सकेगा, और दिल्ली में तो झूठ भी हमारा ही चलेगा। केजरीवाल का झूठ क्यों नहीं चलेगा भाई? देखिए भाई ये झूठ नहीं चलेगा। हाँ सुन लो, हाँ हाँ एक मिनट सुन लो, सुना के वोट के लिए धर्म जाति का जहर घोल, वोट के लिए धर्म जाति का जहर गोल, हालातियों रोज फूट की बनाते जाइए। ये सब झोल सुनिए, हालातियों रोज फूट की बनाते जाइए, और तेल के बढ़ा के दाम मारो जनता तमाम। तेल के बढ़ा के दाम मारो जनता तमाम, तरकीब आप लूट की बनाते जाइए। अच्छा झूठ में भी दादागिरी आपकी ही चलेगी क्या? बहुत अच्छे, मतलब केजरीवाल का झूठ नहीं चलेगा, इनका ब्रांडेड है। सुनिए बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ, समझना पूरा देश समझना, कि झूठ की भी दादागिरी आपकी ही चलेगी क्या, आप झूठ नए रूट के बनाते जाइए।
झूठ नए रूट के बनाते जाइए, और केजरी के झूठ का तो चलेगा नहीं टेम्पो भी, आप बुलेट ट्रेन झूठ की चला। सुन लो अभी रह रही है, रह गई हाँ अभी थोड़ी रह गई है। आप तो अभी ये कर लो कि जब अपना ही झूठ चलवाना है, किसी का नहीं चलवाना है, तो आप एक इश्तहार छपवा दो। क्या सुन लो सर, के नक्कालों से सावधान जी, इनका झूठ नकली है। के नक्कालों से सावधान जी, चक्कर में ना आए। नक्कालों से सावधान जी, चक्कर में ना आए। और केवल असली कमल छाप ही झूठ सदा अपना। फौजदार जी, आज तो देश की जनता आपको सुन रही है, मुझे भी सुन रही है, हमारे आलोक भाई बैठे और स्टूडेंट से भी, आज की आलोक भाई को कहाँ सुन रही देश की जनता, सुन रही होती तो युवा पीढ़ी भी नहीं, आपके आपके प्रोग्राम के माध्यम से। मैं तो ये पूछता हूँ कि आपने तो नारा सुना होगा, बच्चों ने सुना होगा कि नहीं, आपने तो सुना होगा कि गरीबी हटाओ सुना था, बिजली सड़क पानी सुना था कि नहीं, ये सब सिर्फ नारा था, ये झूठ था, अफवाह था, समाज को तोड़ने का, समाज को भ्रमित करने का। नारा तो हमने 15 लाख का भी सुना था भाई साहब। नहीं सुन लीजिए आज बिजली घर घर तक पहुंची, पानी पहुंच रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़क बन रही है गांव गांव तक, और अब अभी आपने शुरू किया तो हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है, हवा में नहीं हवाई अड्डे, और नहीं और ये भी, आज 65 साल में 65 हवाई अड्डे बने, अभी 4 साल में अभी हमने 100वां हवाई अड्डा जो है वो बना दिया। अरे भाई आप किसी, अभी आपने देखा सिक्किम में उस दिन हुआ, नहीं सिक्किम में हुआ, आप छोटे छोटे शहर में, और सिक्किम में आपने बनवाया, आपने किस, अरे भाई साहब कुछ दिन बाद 35 हमने बनवाया है 4 साल में। महंगाई का तो जमाना ऐसा है साहब, डॉलर जो है 25 रुपए में मिल रहा है, अब पेट्रोल डीजल कई पेट्रोल पंप में भाजपा वाले पे जहाँ कमल छाप लगाओ वहाँ फ्री मिल रहा है, महंगाई तो खत्म ही हो गई है। तुम्हारे पुराने नोट हिलने लग गए। अरे बात आई गरीबी रेखा की, अभी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट 4 दिन पहले आई है कि बहुत बड़ी तादाद जो है हिंदुस्तान की, लगभग 27 करोड़ के करीब, वो गरीबी रेखा से 10 साल में ऊपर आई है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। इन्होंने कहा कि साहब हवाई अड्डे, मैं यहाँ पर आज लपेटे में नेताजी मैं चैलेंज करता हूँ, एक कोई भी हवाई अड्डा जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो 4.5 साल में, वो क्लिपिंग निकाल के दिखा दो, और उस हवाई अड्डे से कोई हवाई जहाज उड़ गया हो वो क्लिपिंग दिखा दो। मोदी जी ने कोई एक 500 बेड का हॉस्पिटल कश्मीर से कन्याकुमारी तक नींव रखी हो और उसमें इलाज होना शुरू हो गया तो बता दो। एक यूनिवर्सिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी जी ने नींव रखी हो और वो यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया हो तो उसका नाम बता दो। क्या जरूरत क्या है यूनिवर्सिटी की, डायरेक्ट डिग्री खरीदो ना। आडवाणी जी जैसे ही, अब एक मुहावरा है वो, किसी को तेल कर देना, ये समझते हैं तेल कर देने का मतलब क्या होता है। जैसे ही कुछ समझ रहा हूँ आज, मैं ही समझ रहा हूँ तो तेल भी तो तुम्हारा ही हो रहा है। तेल कर देना का अर्थ है भाई साहब, जैसे ही आडवाणी जी 90 के हुए तो भाजपा ने उनका तेल कर दिया, अब जैसे ही तेल 90 का हुआ ये भाजपा का आडवाणी कर देगी, बस वहां से सुन लो भाई साहब। कि पूरी राजनीति हो गई मवाली, बहुत दिनों बाद लाया अच्छा, पूरी राजनीति हो गई मवाली, सभी के सब ठाली, ये ठीक नहीं ढंग भाइयों। अब तेल ने हमारा क्या क्या तेल निकाला है, तेल ठहाका मार रहा जनता की हालत खस्ता जी, जनता वही जिनके लिए हवाई अड्डे बनाए थे। तेल ठहाका मार रहा जनता की हालत खस्ता जी, इसी तेल ने फूंक दिया अच्छे दिन का गुलदस्ता जी, जिनका दावा था
जिनका दावा था मोदी जी तेल करेंगे सस्ता जी, एक आंख दबा के बोलते थे 35 रुपए लीटर बिकेगा। जिनका दावा था मोदी जी तेल करेंगे सस्ता जी, वो बाबा हो गए नदारद लेकर वो री बस्ता जी। वो बाबा हो गए नदारद लेकर वो री बस्ता जी। कोई जनता की देखे बदहाली काली हुई दिवाली, जमाना हुआ तंग भाई हो, पूरी राजनीति हो गई मवाली सभी। और अगला सुन लो, तेल क्यों महंगा किया, इसके पीछे सरकार की कूटनीति है। अनर्गल मोदी जी कुछ भी नहीं करते, जब सरकारी मनमानी पर सब हमको ताना देंगे, ये भाजपा का तर्क है, जब सरकारी मनमानी पर सब हमको ताना देंगे तो हम जनता की हड़तालों पर ताले लगवा देंगे, धरने और विरोध प्रदर्शन अपनी मंजिल चूकेंगे। और व्यंग्य पकड़ना, धरने और विरोध प्रदर्शन अपनी मंजिल चूकेंगे, तेल मिलेगा महंगा तो ये पुतला कैसे भूखेंगे। तेल मिलेगा महंगा तो ये पुतला कैसे फूकेंगे। लो विरोधों की हेकड़ी निकाली खाली हुई दुनाली, कैसे लड़ोगे जंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। और चेतावनी दे रहा हूं, एक चेतावनी सीधे सीधे बीजेपी को, ऐसे तो जनता का मूड उखड़ जाएगा 19 में, दाम नरों का तो फिर काम बिगड़ जाएगा 19 में, वोटर का पारा इतना ही चढ़ जाएगा 19 में, जितने तेल के दाम उतना वोटर का पारा इतना ही चढ़ जाएगा 19 में, यही तेल तुमको भी महंगा पड़ जाएगा 19 में। बहुत अच्छा, यही तेल तुमको भी महंगा पड़ जाएगा 19 में, कैसी काठ वाली हांडी चढ़ा ली, हथेली ही जला ली, ये ठीक नहीं ढंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। देखिए, जहां तक कच्चे तेल का दाम है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहा, देश में भी बढ़ रहा है। हकीकत है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पहले दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में घटे थे, तो हमने ज़रूर उस वक्त सेविंग की थी, और सेविंग करके जो गरीब आदमी के लिए रोड सड़क और जो हर चीज़ उनके जो वेलफेयर स्कीम में नहीं होता था, उस काम में हमने पैसा लगाया। इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि गरीबों के ज़िंदगी में खुशगवार माहौल बनाने के लिए सरकार ने जो अब तक नारा देते थे, हमने उस नारा का पालन करके हमने उनकी ज़िंदगी खुशगवार बनाई। आज जो हमारे पास जो बजट होता है, जिसके बारे में जो साल में एक बार बजट पेश करते हैं, अरे भाई 54-55% तो बजट का इन लोगों ने पहले फिक्स कर दिया है, उसमें आपका कुछ नहीं है। वो 45% बजट में इनके बारे में भी चिंता करनी है, इनके बारे में भी चिंता करनी है, देश की चिंता करनी है, गरीबों की चिंता कर 55% इन्होंने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट बोर। अगर 10-15% हम और बोरो कर लें तो इनकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए और जो अपॉर्चुनिटी को हम इनके भविष्य के लिए आपने अपना भविष्य कुर्बान कर दिया कि सरकार मॉनिटर कर रही है, जरूर उस पे जरूर कुछ चेंजेस आएगा, इसलिए सोल्यूशन जो है उस पे सरकार काम करे। सर, एक आध लीटर पेट्रोल उनको भी ले लेंगे। अभी लपेटे में नेताजी के दर्शकों ने पूरा अत श्री पुराण पेट्रोल कथा सुनी। मुद्दे की बात यह है कि 17 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अब मैं इनका एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान को बीच में नहीं लेके आए कि पेट्रोल के प्राइस शायद पाकिस्तान की वजह से बढ़ रहे हैं, और जो पेट्रोल पे सवाल उठा रहे हैं वो बड़े बड़े भारी देशद्रोही हैं, और ये दो लोग तो कम से कम पासपोर्ट में पाकिस्तान का वीज़ा लगवा ही लें। मुझे ऐसा मतलब उसके लिए धन्यवाद करूँगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अभी एयरपोर्ट पर बहुत बात हुई, मैं आपको फिर एयरपोर्ट पर ले चलता हूँ।
अच्छा वो कह रहे हैं कि सब नीम हमने रखे हाँ। और इस इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं शर्मा जी अभी कि जैसे राहुल गांधी ने ईंट रखी होंगी। राहुल गांधी ने रखी हो, मनमोहन सिंह ने रखी हो, इंदिरा गांधी ने रखी हो, राजीव गांधी ने रखी। हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी ने किसी एक एयरपोर्ट की नींव रखी हो और उस पर हवाई जहाज उड़ा हो तो उसका नाम आज लपेटे में नेताजी के दर्शकों को जरूर पता चले। एक एयरपोर्ट बनाया मोदी जी ने, केंद्र सरकार में रोज हवाई जहाज उड़ता है उस पर। किशोर जी, बजदार जी, कांग्रेस के लिए महापुरुष सिर्फ जो गांधी नेहरू परिवार में पैदा वही महापुरुष है, बाकी सब बेकार हैं इनके लिए। अब मैं पर लेकिन आपसे 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 एक बात पूछना चाहता हूँ, या तो राजीव गांधी या मतलब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या फिर आप लाते कहाँ से हो ये बात मुझे बताओ। क्या वो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने तो कांग्रेस ने 60 साल में 65 बनाए, हमने 4 साल में 35 बनाए। इंडिया में तो बनाए नहीं है ये तो पक्का है, पर मुझे एक डाउट हो रहा है, मुझे डाउट ये हो रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री जी पासपोर्ट को तो एयरपोर्ट नहीं समझ रहे। पर आप एक काम करिए, आप बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बना रहे हैं, आप थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाइए। मैं बताता हूं कि 4 साल में बनाए 35 एयरपोर्ट, थोड़ी सी तरक्की और देश की बढ़ाइए। 4 साल में बनाए 35 एयरपोर्ट, थोड़ी सी तरक्की और देश की बढ़ाइए। और नीरव, ललित, माल्या, चौक से और नितिन, ऐसे देशभक्तों की पेंशन बनाइए। अच्छा आपने जब इतने कर रखा है कि देर की सुविधा देश लूट कर भागने की, आपने उनको सुविधा तो दे ही रखी है, देर की सुविधा देश लूट कर भागने की, तो एक और सुविधा मुहैया कराइए, एक और सुविधा मुहैया कराइए और सीधे बैठे अपने जहाज से ही उड़ जाएं, उनका अलग एयरपोर्ट बनवाइए। तो उसे उनके लिए होगा क्या कि जांच सुरक्षा रोका टोकी की ना दुविधा होगी। जांच सुरक्षा रोका टोकी की ना दुविधा होगी और 24 घंटे उन्हें भाग जाने की सुविधा होगी। मैं इसी बात से रिलेट, अब ये कह रहे हैं भागने की सुविधा होगी, वो बेचारे यहाँ रहकर करें क्या। अब वो कल नितिन संदेशरा जी भी निकल गए, अभी कल ही निकले 5,000 करोड़ का कुछ मामला है। सुनना इसमें एक मैं छोटा सा सुनाता हूँ, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ा काम करती हैं, हमारे पिताजी भी छोटे से। पहले कितना बड़ा टीवी आता था, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आती थी, वो भी यूं हिलती रहती थी। अब इतना बड़ा टीवी आता है, उसमें 200 चैनल आते हैं। ये कॉम्पैक्ट नहीं, वो बेचारे रह के करें क्या। बिल्कुल छोटी सी पैरोडी सुन के, पहले तो माल्या ने कल्टी लगाई, पहले तो माल्या ने कल्टी लगाई, फिर उस पे नीरब ने घंटी दबाई, पहले तो माल्या ने कल्टी लगाई, फिर उसमें नीरब ने घंटी दबाई, सारे भागे भगोड़े परदेश में, सारे भागे भगोड़े परदेश में, और जाने कितने खड़े हैं रेस में, जाए कितने खड़े हैं। जो कहना चाह रहा था वो सुनना, के धीरे से मेहुल ने चूना लगाया, धीरे से मेहुल ने चूना लगाया, संदेशरा का संदेशा ये आया, संदेशरा ने संदेशा क्या भेजा है, धीरे से मेहुल ने चूना लगाया, संदेशरा का संदेशा ये आया, क्या पकौड़े क्या पकौड़े बनाते देश में,
लपेटे देश में। अच्छा एक इतने सारे नाम आ रहे हैं, अब एक नाम आया जो आप तो बता भी नहीं रहे थे, भंडारी साहब, वो भी चले गए थे इंग्लैंड। बात वहीं से शुरू करते हैं ना, 4.5 साल से भंडारी साहब किसी को नहीं दिखे, तो क्या मोदी जी की सरकार पकौड़े थे? पर वो भी तो चले गए ना बाहर। वो इस लिस्ट में नहीं है भगोड़ों की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो भगोड़े थे तो कह रहे हैं उनको भी रोकते आप, 4.5 साल से क्या केंद्र सरकार पकौड़े तल रही थी कि बैंक मुझे दे दे कर्ज, ये सब युवा चाहते हैं। सुनिए कि बैंक मुझे दे दे कर्ज, मिट जाए सारे मर्ज, कि बैंक मुझे दे दे कर्ज, मिट जाए सारे मर्ज, और कुछ नहीं चाहता हूँ जिंदगानी में। कि बैंक मुझे दे दे कर्ज, मिट जाए सारे मर्ज, और कुछ नहीं चाहता हूँ जिंदगानी में, और भाग जाऊं मैं विदेश लेकर के सारा कैश, ऐश काट लूंगा सारे चढ़ती जवानी में। भाग जाऊं मैं विदेश लेकर के सारा कैश, ऐश काट लूंगा सारे चढ़ती जवानी में। तो माल्यावा नीरव की कथा पूरी भी ना हुई, माल्यावा नीरव की कथा पूरी भी ना हुई, एक और ट्विस्ट अब आ गया कहानी में। माल्यावा नीरव की कथा पूरी भी ना हुई, एक और ट्विस्ट अब आ गया कहानी में। भागे हैं नितिन, हुई सरकार दीनहीन, लगता है एक भैंस और गई पानी में। इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं, पैसे आपसे लेते हैं आपके टाइम में नहीं, और भागते हैं इनके टाइम में। मैं बता रहा हूँ, देखिए नीरव का 371 लेटर ऑफ इंडेंट मोदी जी के टाइम पे, हम कह रहे हैं व्हाइट पेपर लाओ ना, व्हाइट पेपर लाइए बैंकों का। आप कुछ बोल नहीं सकते, कब कब लोन इशू हुआ है? सिस्टम नहीं, सिस्टम बनाया इन्होंने, सिस्टम पूरा बना के दिया, हमने तो पकड़ा उसको। दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए ये सही नहीं, इन्होंने सही कहा, इन्होंने इस तरह से पार्लियामेंट में वित्त मंत्री से मिलके भागा विजय माल्या। आप देखिए देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े गलत नहीं बोलते हैं। वो क्यों नहीं मिलके जाएगा? आपने जब लोन दिया तो आपका हिसाब हो गया, वो उनका हिसाब करके चला गया। अब तो अलग बात है भाई साहब, इतनी निरीह सरकार मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी, जितनी के आपकी बिहार में देखी। आपके उप मुख्यमंत्री दो दो कोड़ी के गुंडों से कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके आप प्लीज पितृपक्ष में मान जाओ। सुनिए कि नया जब आप आए थे आपने क्या क्या कहा था, और आज आप दो दो कोड़ी के गुंडों के हाथ जोड़ रहे हैं, हमको क्या लग रहा है सुनिए। कि नया नया जोश जब तुमको नहीं था होश, सत्ता में आए थे, नया नया जोश जब तुमको नहीं था होश, नए नए जुमलों के घोले दागने लगे, और भारत को भांत भांत सपने दिखाते रहे, आप भावनाओं के अलाप रागने लगे। अलाप रागने लगे कि देश को तो विश्व गुरु बनाने चले थे, किंतु आप ही कहते हो, अब तक कहते हो देश को तो विश्व गुरु बनाने चले थे, किंतु आपके ही चेले अब दूर भागने लगे, आपके ही, और अब समर्थन करना मेरे नौजवान साथियों, आपके ही चेले अब दूर भागने लगे, और सीमाओं पे देश की रक्षा क्या करोगे तुम, खुद की ही जान की सुरक्षा मांगने लगे। सुन लो दो पंक्ति कहता हूँ, सिद्धांत की दो पंक्ति कहता हूँ कि हाथ जोड़ने से क्या गुंडे बात तुम्हारी मानेंगे, हाथ जोड़ने से क्या गुंडे बात तुम्हारी मानेंगे, और जितने तुम घुटने टेकोगे वो उतनी बंदूकें तानेंगे। भाई साहब देखो, जिस देश में अपराधियों के हाथ जोड़ के कहा जाता है प्लीज अपराध मत करो, उस देश में ये बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता। एक लोक शैली का गीत सुन लो, सुशील मोदी ने कहा पितृपक्ष लग गया है, 15 दिन के लिए अपराध बंद कर दो, बाद में स्कीम में कर लेना, ये साइलेंट होता है कुछ, तो वो सुन लो एक लोकगीत, आनंद लेना सुदीप। स्वागत स्वागत चिराग। वो अपराधियों से कह रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री कि भैया 15 दिन को थम जाइयो,
भैया 15 दिन को थम जाइयो लग गए आज भैया 15 दिन को थम जाइयो लग गए आज कनागत छीना झपटी करने मत आइयो लग गए आज कनागत। और किस भाषा में बोला है अपराध से? हाथ जोड़ कर विनती तुमसे पिंड दान होने दो ढंग से उसके बाद डरा कर रखियो सब जनता को अपने रंग से फिर जो जी में आवे कर जइयो लग गए आज जइयो। और सुनो किन किन अपराधों के बारे में बात कही गई है? हत्या लूट डकैती करना सबकी सुविधा है लेकिन ये 15 दिन छोड़ दो। और हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार घोषणा पत्र जारी कर दे कि नवरात्रियों में लड़कियां नहीं छेड़ी जाएंगी। बाद में स्कीम है। और लड़के कब नहीं छेड़े जाएंगे? लड़कों का क्या है? ये तो धारा 377 का असर है कि राजनीति अपराध के हाथ जोड़ने लगी है। सुन लो कि हत्या लूट डकैती करना जैसी करो बकैती करना रोक न होगी तुम पर कोई जितनी चाह फिरौती करना 15 दिन की छुट्टी पा जाइयो लग गए आज कनागत। कि पहले जब प्रधानमंत्री जी जाते थे कहीं और वो एक इमाम साहब ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की तो टोपी नहीं पहनी उन्होंने, मना कर दिया था। और अब आपके वो भी कह रहे हैं प्रमुख जी कि भाई हिंदू धर्म जो है बिना मुसलमानों के पूरा नहीं होता है, तो ये परिवर्तन आया तो है ना। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा है, सुनो कि ये क्यों परिवर्तन आया। कुछ तो लोग कुछ कह रहे हैं, स्वागत तो बढ़िया बात कह रहा था, मुझे कुछ और लग रहा है। हाँ बताओ, एक्चुअल बताओ। कि लाखों से लाख हुई तो लाख से हुई हजार, लाखों से लाख हुई तो लाख से हुई हजार, धीरे धीरे वोटरों की भीड़ घटने लगी, धीरे धीरे वोटरों की भीड़ घटने लगी और टोटके और जुमलों पे जनता जो झूमती थी अब तो वही भाषणों से पीछे हटने लगी। के पहले तो टोपी से भी करते रहे परहेज, मजे लेना, पहले तो टोपी से भी करते रहे परहेज, अब मस्जिदों में जाके खैरात बटने लगी। अब मस्जिदों में जाके खैरात बटने लगी और भाजपा आपका ये हृदय परिवर्तन है या भाजपा आपका ये हृदय परिवर्तन है या 19 में हार देख छाती फटने। मैं इसका जवाब दूं, आपका फौजदार जी खत्म हो गया? दो लाइन और हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाजपा सुने सुने आप जफर साहब के मंदिर यदि बनवा देते तो कह के आए थे आप के मंदिर यदि बनवा देते तो नहीं कल्पना पड़ता, ये मंदिर यदि बनवा देते तो नहीं कल्पना पड़ता और मस्जिद और मजारों पर यूं नहीं भटकना पड़ता। अब मैं इसका जवाब दूं, देखिए जहां तक मंदिर का सवाल है वो आपको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, ऐसे बीच में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसके बारे में नहीं कहूंगा, इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई चल रही है, जल्दी इसका फैसला आएगा, आपके सामने भी होगा हमारे सामने भी होगा। दूसरी बात जहां कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का दायित्व है हर धर्म के लोगों को, हर शुरू से नारा है सबका साथ सबका विकास,
और उस नारा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। कोई धर्म के बेसिस पे किसी को धर्म के बेसिस पे, किसी समुदाय के बेसिस पे किसी को आप तफरका नहीं कर सकते। कांग्रेस तो बराबर पॉलिसी फॉलो की है, डिवाइड एंड रूल। डिविसिव पॉलिसी फॉलो करेंगे तो आपको देश का नुकसान होगा, और देश हित में है आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 60 साल तक कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद 3 रास्ते थे, या तो सुप्रीम कोर्ट, या संसद, या आपसी सहमति। तीनों में से अगर एक कदम भी राम मंदिर बनाने के लिए आप चले हो तो देश की जनता को आज लपेटे में नेताजी के माध्यम से बताइए आप कौन सा कदम चले। राहुल गांधी से एक बार बोलवाइए कि आप चाहते हैं मंदिर, आपकी सरकार बना दी जाए तो आप राम मंदिर बनाएंगे? देखिए मैं सब कर देता साहब, चुटकुलों पे युवाओं ने 4.5 साल तालियां बजाई। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी, हमने हमेशा कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो भी निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे। तो वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर। मैं फिर कहूंगा मुद्दे को भटकाया जा रहा है चुटकुलों के लिए। हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि हम धारा 370 को हटाएंगे, हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। ये विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के नहीं आस्था का विषय और सोमनाथ की तर्ज पर बनना चाहिए। तो आप ही की तर्ज पर सरकार अगर चल रही है तो अच्छा ही है ना फिर। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से इन्होंने 70 साल तक राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा और आज कह रहे हैं कि नहीं जो कांग्रेस कहती थी वही ठीक है, तो हम इनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा अभी सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल झूठा जुमला है। अच्छा, मैं आपका समर्थन करता हूं, अगर इनका विकास होता तो चंदा मांगते घर घर जाके। मतलब केवल आपका ही आपका विकास हो रहा है, उनका तो विकास हो ही नहीं रहा है। तो मैं बताता हूँ 4 पंक्तियां कैसे कैसे है कि घर घर जाके चंदा मांग रही कांग्रेस मांगेगी अभी क्योंकि इनका विकास नहीं हुआ तो इनको मांगना पड़ेगा कि घर घर जाके चंदा मांग रही कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में ये श्रद्धा भाव को टटोलेगी। घर घर जाके चंदा मांग रही कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में ये श्रद्धा भाव को टटोलेगी, और जितना मिलेगा चंदा उतना बढ़ेगा धंधा। जितना मिलेगा चंदा उतना बढ़ेगा धंधा, चंदे के भरोसे नए सपने संजोलेगी, चंदे के भरोसे नए सपने संजोलेगी। तो कवि मेघ चिंतित हैं, अंदर से पीड़ित हैं। वैसे तेरी पीड़ा तो तेरी सेहत से दिखाई देती है कि कवि मेघ चिंतित हैं, अंदर से पीड़ित हैं, आत्मा हमारी सब सत्य सत्य बोलेगी कि आ रही है करवा चौथ, चंदा कांग्रेस खा गई तो। कवि मेघ चिंतित है, अंदर से पीड़ित है, आत्मा हमारी सब सत्य सत्य बोलेगी कि आ रही है करवा चौथ, चंदा कांग्रेस खा गई तो मेरी पत्नी बेचारी व्रत कैसे खोलेगी। दो अक्टूबर को चंदा मांगने निकलेंगे, जल्दी करो। तो हो सकता है कांग्रेस जाके जनता से ये कहते अल्लाह के नाम पे हमारा गांधी वापस कर दो। तो वो एक छंद पढ़ देता हूँ। हाथ जोड़ कर जनता से बोला कांग्रेसी, अब आप हंस लेना थोड़ी देर। हाथ जोड़ कर जनता से बोला कांग्रेसी, चंदे से हमारी आज झोली भरवाइये, भाजपा ने सारा धन छीना नोट बंद कर, आप हम पर उपकार करवाइए। अब जनता का जवाब सुनना, आप इनको भूले थोड़ी है अभी जनता वाले। आप हम पर उपकार करवाइए, जनता ने कहा 7 दशकों में जोड़ा है जो, जनता ने कहा 7 दशकों में जोड़ा है जो, उसको खर्च कर शासन में आइए, उसको खर्च कर शासन में आइए। और तर्क दे रहा हूँ, सही दे दूं तो भाई साहब आप भी ताली बजा देना। उसको खर्च कर शासन में आइए, और चंदा मिल जाएगा तो उसको रखोगे कहाँ, चंदा मिल जाएगा तो उसको रखोगे कहाँ, पहले जाके फटी हुई जेब सिलवाइए। जेब में हाथ डालो, जेब फट रही हो, हाथ निकलता, बहुत मजा आता है।
फटी हुई जेबों के कुर्ते पहनने लगे हो तो नेहरू जी के अचकन और कोट बंद हो गए। बता रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ है आपका भविष्य, बता रहा हूँ कुछ भी कर लो। हाँ, फटी हुई जेबों के कुर्ते पहनने लगे हो, नेहरू जी के अचकन और कोट बंद हो गए, और पहली वाली पहलवानी अब ना चलेगी यहाँ, पहली वाली पहलवानी अब ना चलेगी यहाँ, आपके अखाड़े के लंगोट। क्या हंसते हुए गांधी जी के जिन पे छपे थे चित्र, घर जाके देखना वो ढेर लग रहा है अभी। क्या हंसते हुए गांधी जी के जिन पे छपे थे चित्र, वो पुराने नोट ना चलेंगे बंद हो गए। और असली सुन लो अब, वो पुराने नोट ना चलेंगे बंद हो गए, और गांधी जी के नाम पे सहज में ही मिलते थे, अब ना मिलेंगे तुम्हें वोट बंद हो गए। ये तुमने भी त्वत कर दी थी, कर तो दी थी, कर तो दी थी, के तुमने भी तो अत कर दी थी, अब उसका फल पाओगे। तुमने भी तो अत कर दी थी, अब उसका फल पाओगे। और गांधी नाम की, गांधी नाम की रोटी कब तक सेक सेक कर खाओगे। जरूरी बात कर रहा हूँ, इन दोनों राजनीति की भाषा कैसी हो गई है, मतलब किसी के पद का, किसी के कद का कुछ नहीं, पर भाषा ऐसी हो गई। मैं तो सब्जी मंडी गया सब्जी लेने, मुझे लगा यार यहाँ की भाषा ज्यादा अच्छी है। के रंग भी बदला, ढंग भी बदला, बदल गई है भाषा अब तो राजनीति की, दिखाई दी दिखाई दे नहीं आशा, ये देश नहीं छल छंदों का, ये देश न दंदों फंदों का, आजाद भगत अशफाक का है, ये देश विवेकानंदों का, उस देश में हम नेताओं की भाषा सुनकर शर्माते हैं। हुई निराशा हुई है, हुई निराशा हुई 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 निराशा हुई, हुई निराशा, भूले प्यार की भाषा, भूले प्यार की भाषा, दे लो ध्यान जरा सा, दे लो ध्यान जरा सा, हुई निराशा हुई 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 निराशा हुई, हुई निराशा, भूले प्यार की भाषा, के पद का नहीं है ना कद का ख्याल, मतलब किसी को भी चोर कह दो, किसी के भी खानदान को चोर कह दो, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। के पद का नहीं है ना कद का ख्याल, जो मुंह में आए बकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी गाली देते ना थकते हैं, पिघला रांगा भरवा ले या हो, पिघला रांगा भरवा ले या फिर अपने दोनों कानों में रुई घुसा ले रुई। अरे हुई 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 कैसी भाषा हुई, हुई निराशा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 तक यही चलने वाला है जो याद देखा हमने, और ये रंग भी शायद यही चलने वाला है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर लपेटे में नेताजी लेकर।